हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, काफ़ी समय से आप बच्चे काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर भी आपके काफ़ी मैसेज आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब पर। सो गाइस, अगर आपका भी हुआ है एसएससी का सीएचएसएल का फॉर्म रिजेक्ट, तो आप ये स्टेप अपना करके अपना एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम 12 तारीख में होना है। सो यहाँ अगर एसएससी का ये साइट पे आप जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड निकल जाए। लेकिन पहले आप अपना जेन्युइन रीज़न जान लीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या रहा है। अगर आपको पता है, लाइक मान लीजिए आपने इनवैलिड सिग्नेचर हैं आपके, या फिर फ़ोटो आपकी इनवैलिड है, या फिर आपने फ़ोटो पर डेट मेंशन नहीं किया है, या फिर आपने डुप्लीकेट एप्लीकेशन करे हैं बच्चों। अगर यहाँ पर आपने इनमें से कोई भी एक 4 रीज़न आपका रहा है फॉर्म का रिजेक्ट होने का, तो यहाँ पर गाइज ये जो शुरू के 3 रीज़न हैं इनमें तो चांसेस हैं आपके एडमिट कार्ड के आने के, लेकिन यहाँ इसमें कोई चांस नहीं है आपके एडमिट कार्ड के आने के। यहाँ पूरी तरह से आपका एडमिट कार्ड रद्द ही कर दिया जाएगा। यस गाइस, सो जिन लोगों के भी एडमिट कार्ड हुए हैं ऊपर के 3 कारणों की वजह से, वो वीडियो पर बने रहें बच्चों, और पूरा का पूरा फीडबैक देख लें क्या करना है। उसके बाद में गाइस आप भी ट्राई करेंगे, ट्राई से मतलब आप पूरा का पूरा इसके अंदर जदोजहद करेंगे अपनी, आपको शायद एडमिट कार्ड आ जाए बच्चों। यस, शायद से मतलब इसमें आपकी एडमिट कार्ड आने की उम्मीद 70-80% है, अगर एसएससी ने रिप्लाई समय पे दे दिया तो। यस गाइस, सो गाइस प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। जो लोग चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके लिए और कुछ प्रोसेस लेकर के आऊँ बहुत जल्दी। सो गाइस, यहाँ पहले ये प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, उसके बाद में चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। यहाँ इसके लिए मुझे चलना होगा आपको लेकर के गूगल क्रोम पर। सो गाइज, गूगल पे जाइएगा, चाहे गूगल क्रोम पर या फिर गूगल का ये जो एक और इन्होंने बनाया हुआ अपना फोल्डर, जहाँ पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म। और वहाँ पे गाइज जाकर के आपको लिखना है एसएससी फीडबैक फॉर एनी क्वेरी। सर्च करेंगे आप जैसे ही, तो आपको यहाँ पे पहला ही कॉलम दिखाई देगा, उस पर आप जाकर टच करेंगे। उस पहले कॉलम को टच करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस ओपन होगा बच्चों। फीडबैक क्वेरी है पूरा का पूरा ये। यहाँ बच्चों क्या क्या करना है आपको, उसको जान लीजिएगा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों। यहाँ आपको पहले वाले कॉलम में कह रहा है कि फील्ड मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी। सब्जेक्ट आपको मेंशन करना होगा कि आप किस वजह से फॉर्म फिल कर रहे हैं। सो आपको लिखना है रिजेक्शन ऑफ फॉर्म, जो भी आपका है। मतलब यहाँ पर तो नहीं लिख पाऊँगा मैं पूरी बात, आपको बता रहा हूँ। रिजेक्शन ऑफ फॉर्म एसएससी सीएचएसएल 2020। यहाँ 2020 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये फॉर्म 2020 में ही आपके आए थे, एग्जाम 2021 में हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि 2021 के ये फॉर्म है। ओके गाइस, रिजेक्शन ऑफ सीएचएसएल फॉर्म 2020। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें आपको अपना लिखना है नेम। नेम वो वाला नेम बच्चों जो आपने सीएचएसएल का फॉर्म भरते वक्त भरा था, वही नेम आप अपना यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों। उसके बाद में गाइस जो तीसरा कॉलम उन्होंने दिया है, वो दिया है ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी यहाँ पर 50 करेक्टर के बीच में होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वही ईमेल आईडी भरनी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त भरी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे फॉर्म भरवाते हैं कैफे वाले से, साइबर कैफे वाले से, और वो उस समय पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। सो बच्चों के साथ में ये बहुत दुविधा होती है। लेकिन बच्चों आप क्या करें, यहाँ पर अपनी कोई भी ईमेल आईडी, अगर आपकी नहीं है तो आप अपने दोस्त की, किसी की भी जिसकी चल रही हो ईमेल आईडी, उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो तो आपको पता ही होगा, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, वो बता दीजिएगा। और यहाँ पर कमेंट देना आपको 300 वर्ड्स में कम से कम। यस गाइस, तो ये मैं आपको बता दूंगा किसी को दिक्कत है कुछ कैसे कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेलो एसएससी, माय नेम इज़ ये, यस माय फॉर्म एसएससी सीएचएसएल 2020 रिजेक्टेड ड्यू टू, आपको अपना रीज़न लिखना पड़ेगा, इनवैलिड सिग्नेचर, इनवैलिड फोटोग्राफ, नंबर, नो डेट ऑफ फोटोग्राफ, या फिर डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी लिख के देख लेना बच्चों। हालांकि उसका एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा वापस से, तो मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, शुरू के 3 रीज़न का ही एडमिट कार्ड आ सकता है आपका। सो गाइस यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा, अगर किसी को नहीं लिखना आता है तो वो मैं लिख करके दे दूँगा आपको पूरा पूरा परफॉर्मा। आप जैसे ही मुझे व्हाट्सअप करते हैं मैं आपको पूरा पूरा लिख के भेज दूँगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पूरा परफॉर्मा मैं डाउनलोड कर दूँ, यहाँ पर लिख दूँ। इस गैस इसे करने के बाद में आप जैसे ही करेंगे सबमिट, देखिए मैंने तो कोई लिखा नहीं है तो मैं सबमिट तो कर नहीं सकता हूँ इसको, तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आप लोग अपना वापस पहुँचे अपने साइट पे, जहाँ भी आपको जाना है। इस गैस यहाँ एसएससी की तरफ से अब आपको ईमेल आएगा। सो गैस एसएससी आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेज देगा इन्फॉर्मेशन कि किस वजह से आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किस वजह से नहीं हुआ है।
पूरा बता देगा। साथ ही साथ गाइज आप मेल भी करते हैं SSC को, यस उसको परेशान करके रखें जब तक आपका एडमिट कार्ड ना जाए आपके हाथ में। लेकिन कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है, हाथ पे हाथ धर के आपको नहीं बैठना है, और ये कोशिश आपको करनी होगी, आपके लिए कोशिश कोई और नहीं करेगा, बिकॉज जितनी टेंशन आपकी आपको है इतनी टेंशन आपके किसी और को नहीं है। यस गाइज, सो गाइज इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास पहुँचेगा हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। बस इससे अप्लाई करके देख लें एक बार, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है बच्चों। फिलहाल बच्चों आपसे लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।